ये हमारे इस एग्जामिनेशन 2023 खत्म होने के बाद दो सवाल काफी चर्चा में है। पहला सवाल यहाँ पर आंसर की जैसे ही रिलीज हुई थी तब थी कि भाई यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है क्या होगा, या सेफ स्कोर यहाँ पर क्या होगा, या मेरिट कैसे बनेगी, ये सारी चीजें। अब क्योंकि 6 तारीख लास्ट डेट थी हमारे पास और उसके बाद एक फाइनल आंसर की फिर से रिलीज होगी, तो दोबारा से इन सवालों का पूछना लाजमी है। अब दोबारा से सवाल चर्चा का विषय इसलिए बिल्कुल बनने लाजमी थे क्योंकि आंसर की देखने के बाद बहुत सारे बच्चों ने ये एनालिसिस किया कि जितनी एक्सपेक्टेशन हमें एग्जामिनेशन से थी, एक्सपेक्टेशन वो काफी ज्यादा हमें रीच नहीं कर पाई, चाहे वो भाषा को लेकर के थी, चाहे वो उनके एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर के थी। तो आज हम वही चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कॉम्पिटिशन में। मैं इस वीडियो में एक चीज क्लियर कर दूंगी है, मेरिट के बेसिस पे कोई बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि मेरिट वहां पर बनाई जाती है जहां पर आपके 10th 12th यानी एकेडमिक में क्या मार्क्स थे, आपने रिटर्न में कितना लिया, इंटरव्यू में कितना लिया, ये सारी चीजें। लेकिन EMRS के 10,391 जितनी भी टोटल वैकेंसीज हमारे सामने थी उसमें प्रिंसिपलशिप की अगर मैं वैकेंसीज को छोड़ दूं जो टोटल यहाँ पर कुल मिलाकर के थी 303, तो उनके अलावा किसी में भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है, चाहे वो आपका टीचिंग का पेपर है, चाहे वो आपका नॉन टीचिंग का पेपर है, TGT VGT हॉस्टल वार्डन अकाउंटेंट या फिर जो बाकी पेपर एक दो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताए हैं। ठीक है, तो आज हम मोटा मोटा एनालिसिस करने वाले हैं कि कितना आपका सेफ स्कोर होगा वो हम जानेंगे, सेफ स्कोर और साथ में कट ऑफ। अब सेफ स्कोर से बिल्कुल मेरा मतलब यहाँ पे है कि भाई कट ऑफ तो एक अलग बात है जो कि अलग अलग चीजों के ऊपर वेरी करती है, लेकिन हम यहाँ पर सेफ स्कोर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेफ स्कोर बिल्कुल यहाँ पर डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। डिफिकल्टी लेवल क्या थी, कितने बच्चे अपियर हुए, किन्होंने कितना पेपर सॉल्व कर पाए, ये एक अलग बात है। सेफ स्कोर जहां पर आपको कैच करना था, जो शुरू में हमने डिस्कशन किया था कि इतने सवाल तो आपको नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी सॉल्व करने ही करने हैं ताकि आप सेफ जोन में एक सिक्योर पोजीशन को जो है अक्वायर कर सके, है ना। तो हम उसी सेफ स्कोर के बारे में पहले बात करेंगे कि चाहे आप यहाँ पर PGT में अपियर हुए हो जहां पर कुल मिलाकर के हमारी वैकेंसीज थी 2,266 2,266, और साथ में अगर हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भी बात करें जहां पर 5,660 के आसपास टोटल वैकेंसीज हमारी यहाँ पर थी, ठीक है, तो उसकी भी हम बात करेंगे, दोनों को हम मिला करके बात करेंगे। तो सेफ स्कोर क्या है और आंसर की अब क्योंकि अब आ चुकी है तो फाइनल आंसर की भी आएगी, तो ज्यादा बदलाव वहां पर नहीं आपको देखने मिलने को मिलेंगे। तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आंसर की देखने के बाद जो मैंने एनालिसिस बताया है वहां तक आप क्या वेरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, है ना। पहले हम यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं सेफ स्कोर का, फिर हम बात करेंगे कट ऑफ की। देखिए सेफ स्कोर से हमारा बिल्कुल मतलब है कि उतना मार्क्स तो आपका होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करती हूँ तो पेपर हमारा कितने नंबर का था, 130 नंबर का था, वैसे पूरा 150 का था। मैं लैंग्वेज के मार्क्स यहाँ पर सबको पता कि क्वालिफाइंग इन द नेचर था 20 नंबर, तो मैं 150 को न गिनते हुए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की मैं बात करी और मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर 130 नंबर का हमारा पेपर था, ठीक है। अब सेफ स्कोर से मेरा मतलब है कि जहां पर नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट कर जाती है, जहां पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट कर जाती है, बिल्कुल यहाँ पर संभावना काफी हद तक होती है कि जो आपका एक सेफ स्कोर है वो 60% पे आकर के तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए कि उतने सवाल तो आपके सही हो। जैसे मैंने कहा कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट में अगर 130 नंबर का पेपर है तो 60% के हिसाब से हो गए भैया आपके 78 नंबर, है ना, कि अगर आपने 130 में से 78 नंबर 78 नंबर अगर स्कोर किए हैं जो अभी आंसर की आई है जिसकी लास्ट डेट 6 तारीख थी 6 जनवरी, उसके हिसाब से तो आप सबसे पहले तो हैं यहाँ पर, आप सबसे पहले बधाई के पात्र हैं कि आप कम से कम सेफ स्कोर में आ पाए, ये बहुत बड़ी बात है। और क्यों बड़ी बात है मैं आगे इसका जो है डिस्कशन करूंगी, पर अभी हम बात यहाँ सेफ स्कोर की कर लेते हैं। फिर हम ये कह रहे हैं कि 120 नंबर जो हमारा यहाँ पर है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, है ना, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में हम कह रहे हैं कि 60% की आवश्यकता है, 120 नंबर के हिसाब से हमने कहा कि 60% हो गया इसका 72%, है ना। अब 72% के हिसाब से अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में का एग्जामिनेशन दिया है, अगर आपने 72 नंबर स्कोर कर लिए हैं तो आप यूं मानिए कि आप अच्छे कैंडिडेट्स में काउंट किए जा सकते हैं, और साथ में जिस हिसाब से एग्जामिनेशन पैटर्न था हमारा वो भी अपने आप में अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा आसान नहीं रहा, है ना। एक आधा पेपर अगर हम छोड़ देते हैं जो बाकी टीचर्स का ओपिनियन भी अगर हम रख लें, जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं
साइंस की अगर हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अदरवाइज अगर हम देखें तो टीजीटी में अगर आपका 72 नंबर है 72 मार्क्स से 120 में से, तो आप सेफ जोन में हैं। अब हम बात करेंगे कट ऑफ की। कट ऑफ में देखिए, मैंने शुरू में आपको ये बात बोली थी, जो मैं शुरू से भी कहती आ रही हूँ, कि कट ऑफ जो है बहुत चीजों के ऊपर वेरी करता है ना। टोटल सीट्स कितनी थी, आप ये मत सोचिए कि सीट्स भैया 10,000 थी तो यहाँ पर इतनी सारी सीटें थी, कोई ज्यादा सीटें नहीं थी। 10,000 सीटों पे अगर 4 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से अगर 2.5 लाख 2 लाख बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं तो भी बहुत बड़ा नंबर है। 10,000 सीटों के ऊपर 2 से 3 लाख बच्चों का फाइट करना अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। तो सीट्स की सबसे पहले बात करेंगे, 10,000+ सीट्स थी हमारे पास, नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों को मिला लेते हैं, है ना। डिफिकल्टी लेवल क्या था, पेपर डिफिकल्ट था, आसान नहीं बोल सकते उसको, है ना। अगर हम ये कहें कि कंसर्न वाला सेक्शन आसान था हमारा, सब्जेक्ट कंसर्न का, तो वो डिफिकल्टी लेवल जनरल पेपर में नजर आई, है ना। अगर वहां नजर नहीं है तो सब्जेक्ट कंसर्न में नजर आई। अगर वहां नजर नहीं आई तो जो 40% बच्चे बाहर हो गए क्योंकि लैंग्वेज ही सही नहीं थी, लैंग्वेज जो कि क्वालिफाइंग इन द नेचर थी और जो कि कायदे से उनको देनी चाहिए थी कि क्वालिफाइंग इन द नेचर में बच्चा हर कोई पेपर क्वालिफाई कर सके, चाहे वो किसी भी बेल्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया से हो, चाहे वो साउथ इंडिया से हो। तो ये वाला फैक्टर बड़ा मैटर करता है, डिफिकल्टी लेवल। तो पेपर आसान नहीं था, पेपर का लेवल अच्छा खासा पेपर था। परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्कोर करने वाले 120 में से जो है यहाँ पर 115 भी स्कोर कर सकते हैं, करने वाले 90 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी सारी चीजें वेरी करती हैं, नंबर ऑफ द सीट्स, हमने कहा 10,000, जो मैंने यहाँ पर आपको बात बोली थी ना कि क्यों बहुत बड़ी बात नहीं है 10,000 के ऊपर फाइट, जो है छोटी बात नहीं है कि 10,000 सीट में यहाँ पर 2 से 2.5 लाख बच्चे यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं अगर अलग अलग वेरिएशंस ना करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीट कितनी आई थी, पीजीटी में अगर गिन ले कायदे से, तो कोई भी एक भी ऐसी पर्टिकुलर पेपर सीट नहीं है, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, जिसमें कि 500+ सीटें गई हो, है ना। ये सबसे बड़ी बात है। ऊपर से अगर मैं प्रिंसिपलशिप का एक उदाहरण के तौर पर मैं बात कर लेती हूँ, 303 सीटें थी प्रिंसिपलशिप के लिए, है ना। यहाँ पर 303 सीटों में से देखा जाए तो यूआर की अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 125 सीट थी, ईडब्ल्यूएस की 30 सीट थी केवल, ओबीसी की 81 81 सीट थी, एससी की 45 सीट थी और एसटी की 22 सीट थी, ठीक है। और जो अदर डिसेबल जो बच्चे थे उसमें 13 सीटें इन्होंने काउंट की हैं। तो जहां पर सालों से वैकेंसी नहीं आती है, जहां पर बच्चे लगातार फाइट करते हैं, अगर आप 10,000 सीटों पे अगर यहाँ पर 4-4 लाख बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो आप यूं मान के चलिए कि आंकड़े और यहाँ पर फॉर्म भरने वालों की संख्या, एग्जामिनेशन में अपीयर होने वालों की संख्या क्या हो सकती है। अब उसके बावजूद अगर भाई यहाँ पर इस सीबीएसई कुल मिलाकर के अगर 120 में से 118 का कट ऑफ या 115 का कट ऑफ बनाएगी, तो उसमें तो कैंडिडेट भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। वो तो फिर हेल्पलेस करने वाली बात है कि भाई हम तो इतना करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें फैक्टर जो है यहाँ पर काउंट होते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, है ना। तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के चक्कर में यहाँ पर अगर 500-600 बच्चों की सीटें अगर लॉस होती हैं, तो उसमें जिम्मेदारी फिर किसकी बनेगी, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये तो थी भाई सेफ स्कोर की बात, कट ऑफ के बारे में डिस्कशन किया, और एक पॉइंट जो भी था नेगेटिव मार्किंग, इसलिए मैंने 60% वाला सिनेरियो यहाँ पर आपको क्लियर भी किया। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, मोटा मोटा जो यहाँ पर बच्चे पूछ रहे हैं। कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन करने से पहले एक चीज भी जो मैं यहाँ पर बता दूं कि जो भी यहाँ पर कट ऑफ का एनालिसिस है, वो कट ऑफ का एनालिसिस पिछले कुछ सालों के पेपर के बिहाव पर रखा गया है। हालांकि डब्ल्यूएस का पेपर, ईएमआरएस का पेपर जो है वो आपका काफी साल पहले हुआ था, ऑफलाइन मोड में ही था, तो उतना चर्चा का विषय उस समय नहीं था, बिकॉज स्टेट वाइज पेपर होते थे, है ना। लेकिन अब चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि तो सेंट्रल लेवल का पेपर है ना। और जब आप कट ऑफ निकाल रहे हैं तो सेंट्रल लेवल के हिसाब से कट ऑफ निकालेंगे, साथ में कैटेगरी वाइज सीटें जो डिवाइड हुई हैं, जो मैंने आपको प्रिंसिपलशिप का एग्जाम्पल दिया। तो अगर मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर एबीसी किसी सब्जेक्ट में अगर 500 सीटें आई हैं, 300 सीटें आई हैं, तो उसमें से आपके हिस्से में कितनी सीट आ रही है, ईडब्ल्यूएस के हिस्से में कितनी सीट आ रही है, ओबीसी के हक में कितनी सीटें आ रही है, वो काफी मैटर करता है। अब हम बात करते हैं पीजीटी के बारे में। अगर आपने पीजीटी में 130 में से 78 के आसपास स्कोर किया है 60% क्राइटेरिया, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ये काफी अच्छी बात है। अब इससे आगे कट ऑफ हमारा क्या जा सकता है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
और अगर आपने यहाँ पर 80 से 84 के बीच में स्कोर किया है ना, मैंने कहा कि 80 से 84 के बीच में स्कोर किया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर बिल्कुल ना सिर्फ सेफ है बल्कि आप यहाँ पर हकदार बनते हैं अपने एक सीट इंश्योर करने के लिए। बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं EWS की बात करूं तो 76 से 78 के बीच में मेरा मार्जिन है यहाँ पर, ये होना चाहिए, है ना। और OBC की अगर बात की जाए तो 77 से 79 के बीच में, बिकॉज EWS OBC के बीच में बहुत डिफ्रेंसिएशन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर SC की अगर बात की जाए तो 73 से 76 के बीच में, SC के बारे में बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 72 से 75 के बीच में, है ना, 72 से 75 के बीच में, ये मेरा अनुमान है ना, कुछ एक सब्जेक्ट्स को लेकर के जो मेरे अपने सब्जेक्ट के कमांड्स हैं मेरे हाथ में। लेकिन अदरवाइज अगर पेपर्स की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल पेपर का पैटर्न कैसा था। हाँ, वो मैंने शुरू में भी आपको बताया कि बैलेंस हो रही थी चीज़ें ऑलरेडी पहले से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं है, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न आसान था तो आपका यहाँ पर कहाँ पर बैलेंस हो रहा था डिफिकल्टी लेवल जनरल पेपर में, ये एक अलग बात है। TGT की बात कर लेते हैं। TGT में बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे मेरे पास कि मैम मेरे 95 मार्क्स हैं, 90 प्लस मार्क्स हैं। एक बहुत अच्छी बात भी है यहाँ पर, वो मैंने वही शुरू में कहा कि ये अपने आप में काफी सराहनीय है, लेकिन 60% बात के बाद 72 नंबर से तो आप सेफ स्कोर में यहाँ पर हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में। लेकिन अगर आप यहाँ पर 85 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, 85 के आसपास अगर स्कोर कर रहे हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में, मैं किसी भी पेपर की बात करूँ, TGT के जितने भी पेपर थे, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, SST है, यहाँ पर साइंस है हमारा, है ना, 85 से अगर आप प्लस में हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 85 भी स्कोर कर पा रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, जो कि आपको सेफ जोन में रख करके अपनी सीट को इंश्योर कर रही है। बिल्कुल वैसे ही EWS में 80 नंबर, ठीक है। OBC में बिल्कुल 75 या 75 के प्लस के आसपास आप खुद को यहाँ पर वैली कर सकते हैं, राइट, 75, 77, 78 के बीच में। SC की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर ट्रेंड रहा जो टीचर में 70 के आसपास और 70 से प्लस, 70 से 75 के बीच में, और SC में 60 से 68 के बीच में अगर आप वैली कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में अपनी सीट्स को इंश्योर कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है एक अनुमान के तौर पर चीजें मैंने बताई। मेरिट की बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरिट यहाँ पर वही नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट का पेपर तो है नहीं, बिल्कुल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर है, क्योंकि सीट्स पहले से रिजर्व है। क्यों? हमने यहाँ पर SC ST कैटेगरी OBC की अगर बात की, जैसे प्रिंसिपलशिप की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे कि SC की 45 और ST की 22 सीटें पहले से रिजर्व हैं। अब रिजर्व्ड सीटें हैं, अगर यहाँ पर काबिल कैंडिडेट मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीट्स वेकेंट जाएंगी, उसमें कोई दो राय यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि AMRS के एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से आप किस तरीके से सेफ जोन के अलावा कहाँ पर वेरी कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसा हमारा आना चाहिए। जो मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि भाई अब 120 में से अगर 115 वाले भी सीटें ले जाएं तो अपने आप में एक्सेप्शनल केस है, लेकिन एक्सेप्शनल वो तब नहीं हो पाता है जब आप 10,000 सीटों के ऊपर यहाँ पर 4 लाख बच्चे फाइट करते हैं, और यहाँ पर गिनी चुनी सीटों में, ये देखने में नंबर ज्यादा लगता है लेकिन जब आप वेरीफाई करेंगे ना सीटों को, यहाँ पर जब हम बाइफरकेट करते हैं हिस्ट्री में, मैथ्स में, साइंस में, तब समझ में आता है कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर फाइट हो रही है पर्टिकुलर सीट्स के ऊपर उनकी तादाद कितनी ज्यादा है। तो आप बताएंगे कितने आप सेटिस्फाइंग हैं AMRS एग्जामिनेशन पैटर्न से, और कितनी उम्मीद रखते हैं कि कितना कट ऑफ यहाँ पर जाना चाहिए ताकि आप एक सेफ स्कोर को जो है अचीव करके अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर पाए। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।